नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में पाठ 6 सुबह जो है वह हमने समझा। बच्चों, आज हम इसके स्वाध्याय पोथी के प्रश्न के उत्तर की चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न एक दिया गया है कि सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर जो है वह इस तरफ के बॉक्स में लिखना है हमें। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमें दिया गया है कि रेशमा अब खाली 11 साल की लड़की है, यानी कि हमें यहाँ पर लिखना है कि रेशमा जो है वह कितने साल की लड़की है। तो 9, 10, 11 के 12, तो यहाँ पर आएगा 11। रेशमा जो है वह 11 साल की लड़की है। रेशमा की माँ क्या बनना चाहती है? पेड़े क्या बनाना चाहती थी रेशमा की माँ? तो पेड़े, पताशे, गुलाब जामुन या लड्डू, तो यहाँ पर आएगा डी, गुलाब जामुन। माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ? तो यहाँ पर आएगा बी, दृढ़ता। रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई? बिस्किट, चॉकलेट, पिपरमिंट के ट्रॉफी, तो यहाँ पर आएगा डी, ट्रॉफी। रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी? तो दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, सहेली, तो यहाँ पर आवश्यक ए, दादा दादी के साथ वह फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? मलेरिया, पोलियो, टाइफॉइड के जुकाम, तो 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था? बी, पोलियो। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओ, मैं तो एकदम खाली जगह हो गई हूँ, यानी कि यहाँ पर जो हमारा पाठ है, जो इकाई है, उसमें जो वाक्य है वो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। आपने इस पाठ को पढ़ा होगा अच्छी तरह से या समझा भी होगा अच्छी तरह से, तो आपको यह खाली जगह को अच्छी तरह आए। तो यह कोष्ठक में से चुनकर ही आपको इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, यह लिखना है। दूसरा है, रेशमा किसी पर खाली जगह नहीं रहना चाहती, तो यहाँ पर आएगा रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, यहाँ पर क्या आएगा? निर्भर। तीसरी खाली जगह है, रेशमा को दूध का मेवे वाला, माने जो दूध का मेवे वाला सो क्या बनाया था? दलिया बनाया था। तो रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर आएगा दलिया। रेशमा के दादा दादी बहुत खाली जगह थे, तो रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे, यहाँ पर आएगा बुजुर्ग। पटाखों के खाली जगह में रेशमा की आवाज़ दब गई, तो पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है उसमें से हमें चुनकर यह वाक्य को पूरा करना है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है, क्योंकि माँ लड्डू बना रही थी, घर में सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे, या गोलू पिचकारी मांग रहा था। तो रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है, क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे, यह लिखना है। रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे, क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। रसोईघर फिर से चमचमाने लगा, क्योंकि उसमें नया रंग हुआ था, खिड़कियों में नए कांच लगे थे, या प्रत्येक वस्तु साफ कर व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। तो रसोईघर फिर से चमचमाने लगा, क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, यह लिखकर आपको यह विधान जो है वह पूर्ण करना है। आगे है, रेशमा सबकी आँखों का तारा है, क्योंकि उसका हर काम बहुत व्यवस्थित रहता है। वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है, या वह अपने काम खुद कर लेती है। तो रेशमा सबकी आँखों का तारा है, क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है, यह आएगा। आगे है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जो यहाँ के प्रश्न के उत्तर हमें जो लिखने हैं वह एक एक वाक्य में लिखने हैं, यानी कि छोटे लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका उत्तर है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए त्यौहार के आने से पहले ही
घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? तो रेशमा ने माँ से यह शिकायत की, मैंने यहाँ पर जगह कम थी इसलिए यह हमने शॉर्ट करके लिखा है, आपको इस तरह से लिखना है। रेशमा ने माँ से यह शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे नहीं सौंपा गया। तीसरा है, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? तो इसका उत्तर लिखना है, रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि लड्डू बनाने के लिए घर में सामान नहीं था और वह लेने के लिए किसे बाजार भेजे। चौथा है, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है, दीपावली का त्यौहार राम की अयोध्या वापसी की खुशी में मनाया जाता है। पांचवा है, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई? तो सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि रेशमा ने बड़ी समझदारी और साहस के साथ गोलू को की जान बचाई थी। बड़ी समझदारी से उसने गोलू की जान बचाई थी, इसलिए सब खुश हो गए और उसकी पीठ थपथपाने लगे थे। इस तरह से हमें लिखना है। गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा? तो इसका उत्तर लिखना है कि रेशमा का दिया धमाकेदार धक्का गोलू को हमेशा याद रहेगा। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है? तो रेशमा जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। तो बच्चों, यहाँ तक जो प्रश्न के उत्तर है वह हमने समझे। आपको इसे अपनी स्वाध्याय पोथी में तो लिखना ही है, मेरे वीडियो में से देख कर लिखो या फिर मैं फ़ोटो जो भेजती हूँ उनमें से आप लिख सकते हो। तो बच्चों, आपको यह प्रश्न 1, 2 और 4 अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। स्वाध्याय पोथी में तो लिखने ही है, पर आपको नोटबुक में भी प्रश्न 1, 2 और 4 लिखने हैं। नमस्ते बच्चों।